आपकी कंपनी का कोई भी काम अगर आप हो तो रुकना नहीं चाहिए। आपके लीडर रूटीन से फ्री होने चाहिए। एज अ लीडर मैनेजर ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। अब आगे हम समझते हैं कि ये करेंगे क्या, तो ये ऑलवेज यही चीज करेंगे जो उनसे उम्मीद एक लीडर रखता है। और अगर आप उस पोजीशन के ऊपर हो तो आपको भी यही चीज करने की आवश्यकता है। क्या? सबसे पहला, दे ऑलवेज मोटिवेट देयर टीम टूवर्ड्स हिज गोल। ये ऑलवेज मोटिवेट करेंगे, टीम को मोटिवेट करके रखेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम के खिलाफ वो भी लड़ेंगे और उनकी चीजों को वो सॉल्व करने के लिए अपना 110% दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कंपनी में काम करने वाला बंदा अगर 5 साल 10 साल अगर रुक गया और उसको बढ़िया लेवल पर अगर मैंने डेवलप कर लिया तो मेरे पास एक अच्छी टीम होगी, मेरा हर काम इजीली अवेलेबल हो जाएगा और मेरे साथ लोग रुकेंगे क्योंकि उनको भी पता होगा कि यहां पर मेरा ग्रोथ पक्का है। क्यों? क्योंकि यहां पर फोकस किया जा रहा है उनके गोल के ऊपर। क्लियर है? तो आपको भी ये चीज करनी पड़ेगी। आपकी टीम में रुके हुए जितने भी लोग हैं उनके गोल पूरा करने की जिम्मेदारी एज अ लीडर मैनेजर आपको उठानी है और उनको गाइड करना है। सेकंड चीज ये करते हैं, दे टेक न्यू रिस्क फॉर ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन। ये नए नए रिस्क लेते हैं, नई नई चीजों को वो एक्सेप्ट करते हैं, नए नए काम के अंदर वो अपना एफर्ट्स लगाते हैं। और ये एफर्ट्स लगाने का उनका कारण क्या होता है? उनको पता है पुराना जो काम अगर मैं कर रहा हूं वही काम अगर मैं फिर से करता रहा तो पुरानी चीज जो मुझे मिल रही है मुझे उतना ही मिलेगा। जैसे लास्ट टाइम हमने एक्टिविटीज के अंदर देखा था आपकी दिनचर्या क्या होती है, अगर एक काम आप फिक्स लगातार करते आ रहे हो तो वही काम से आप कभी ग्रो नहीं हो पाओगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये नए नए रिस्क लेंगे, रिस्क लेने की जिम्मेदारी वही उठाता है जो आगे बढ़ना चाहता है। बाकी लोग रिस्क लेने से डरते हैं और जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं ना वो वही पर खत्म हो जाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा शोले पिक्चर का डायलॉग गब्बर का क्या है, जो डर गया वो मर गया साला। तो डरना नहीं है, अगर डर गए और डर के सामने अगर आप अपने आप को खड़ा रख लिए और नए नए रिस्क अगर आपने उठाने शुरू कर दिए तो नई नई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है और वो अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेगी जब आपने वो रिस्क लिया होगा, डर का सामना किया होगा। फिर आता है दे ऑलवेज अपडेट देयर नॉलेज फॉर फ्यूचर। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बुक्स के नाम, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था नॉलेज के लिए मूवीज, तो ये सारी चीजों को ये कंटिन्यूस करते रहते हैं अपने नॉलेज को अपडेट करना, क्योंकि इनको पता है कि पुराना वर्जन अगर मेरा रहेगा तो मुझे उतना ही ग्रोथ मिलेगा जितना मिल रहा है। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के अंदर परिवर्तन जो है वो कंपलसरी है और उस परिवर्तन के साथ हमें अपने आप को बदलना भी जरूरी है। तो ये लोग होते हैं ऐसे। तो अब आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्सियत की मैं केस स्टडी आप लोगों को बताना चाहूंगा और उस केस स्टडी के माध्यम से आपको क्लियरिटी देना चाहूंगा कि आप भी एक अच्छे लीडर मैनेजर अगर बनना चाहते हो तो आपको भी इनकी तरह सोचना पड़ेगा, इनकी तरह काम करना पड़ेगा और इनकी तरह बनना पड़ेगा और इनको अपना आइडल बनाना पड़ेगा। देखते हैं कौन है। क्या नाम आपने इनका सुना है? कौन है ये? ये भी एक टीम लीडर ही है और ये भी एक टीम में काम करने वाले पर्सन ही है और उन्होंने भी अपना करियर एज अ टीम मेंबर ही शुरू किया था, जिनका नाम क्या है? मिस्टर सत्यन अंडेला। कि ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कुछ इस तरीके से की थी। इनका बॉर्न हुआ था 19 अगस्त 1967 और 50 साल की आज इनकी उम्र है, हैदराबाद से ये है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनका एजुकेशन जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने हासिल किया है, एमबीए उन्होंने कर लिया है एक अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ, और सबसे बड़ी चीज आज इनकी सैलरी आप देखो कितनी है, जिसको अगर कन्वर्ट किया जाए अमाउंट के अंदर तो क्या अमाउंट दिख रहा है आपको?
थोड़ी आंखें बड़ी करके देखना, ये बंदा सैलराइड बंदा है, ये बंदा कंपनी में जॉब करने वाला बंदा है, लेकिन ये बंदा एक डूअर नहीं है, ये बंदा एक पोजिशनल मैनेजर नहीं है, ये बंदा एक लीडर मैनेजर है। और एक लीडर मैनेजर जब कोई इंसान बनता है किसी कंपनी के अंदर, वो इतना रुपए का सैलरी लेने का हकदार बनता है। क्या आप चाहते हो अपने अकाउंट में भी हर महीने इतनी सैलरी आए? तो इन लोगों ने जो जिम्मेदारी कंपनी की उठाई है और जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ करवाया है, आपको भी अपनी कंपनी को उस लेवल पर पहुंचाना पड़ेगा। जैसे आज माइक्रोसॉफ्ट का नाम है, वैसे आपको अपनी कंपनी का नाम मार्केट में बनाना पड़ेगा। और उस लेवल का हार्डवर्क, उस लेवल का स्मार्टवर्क इन लोगों ने किया है, वो आपको भी करना पड़ेगा। ये उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर शेयर की थी और उसकी एक क्लिप और उसके एक छोटा सा मैंने यहाँ पर कट ऑफ रखा हुआ है, जहां पर उन्होंने बताया है, लर्निंग को जिंदगी भर का मिशन बनाइए, नेल्सन मंडेला। लर्निंग को जिंदगी का मिशन बनाइए। और ये इंसान वो बता रहा है जो खुद आज 500 करोड़ रुपया अर्न कर रहा है सैलरी में। मैं तो आपको बोल भर कर थक गया, अब ये भाई साहब भी बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब तो आपको लर्निंग लेना जरूरी है। अगर आपको भी इनकी तरह बनना है तो क्या बनना चाहेंगे? तो आपको इनकी तरह, इन्होंने जो बताया है वो आपको करना पड़ेगा। अब यहां पर एक्टिविटी शीट वन के अंदर आप आ जाइए और एक्टिविटी शीट वन आप ओपन कर लीजिए और उसके अंदर जो चीजें आप लोगों को दी गई है उसके ऊपर अपने बातचीत करेंगे। तो एक्टिविटी शीट वन के अंदर आप लोगों को यहां पर बताया गया है कि आपको क्या करना है। तो एक्टिविटी शीट वन जो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर आपको करना क्या है कि हाउ टू ब्रेक योर लीडर आउट ऑफ रूटीन। तो यहां पर आपको करना तो HW के अंदर ही है, लेकिन इस बार मैं एक्टिविटी शीट आपको समझा दे रहा हूं, तो जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। इंग्लिश में है, आपको हिंदी या गुजराती में कंफर्टेबल है वो आप वहां पर लिख सकते हैं। तो दो चीजें आपको करनी है, नीड टू स्टॉप और नीड टू स्टार्ट। इसका मतलब यह है कि कौन सा काम आपको बंद करने की जरूरत है जिससे आप अपने लीडर जो है उनको रूटीन से आप फ्री कर सकते हो, और कौन सा काम आपको शुरू करने की जरूरत है। कई बार बहुत सारा काम हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं जो कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता है, फिर भी हम पूरा दिन वहां निकाल देते हैं। और बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हमें करने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी वो काम को हम करते नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए HW के अंदर रहेगा, होमवर्क के अंदर रहेगा, और होमवर्क के अंदर इन चीजों का आपको करके आना है। नेक्स्ट सेशन से पहले आगे बढ़ते हैं। क्लियर है एक्टिविटी वन? अब हम बात करेंगे व्हाई सम मैनेजर डजंट ग्रो एज वेल एज अ लीडर। क्यों मैनेजर लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टाइम ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, अपनी चीजों के अंदर जो सक्सेस उनको चाहिए उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली वजह यहां पर निकल कर आती है, नीड वर्सेस विजन। सबसे बड़ी वजह अगर यहां पर निकल कर आती है तो वो वही है, नीड वर्सेस विजन। नीड वर्सेस विजन का मतलब क्या होता है? कई लोग अपनी नीड के लिए भागते हैं और कई लोग अपने विजन को पूरा करने के लिए भागते हैं। आज आप काम कर रहे हो तो अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हो कि कंपनी के विजन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो? सवाल आपको है। अगर आप नीड के लिए काम करोगे तो नीड क्या होती है? दो बखत का खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी, खत्म। विजन जिस इंसान के पास होता है वो कभी रुकता नहीं है,
वो कभी अपनी जिंदगी के अंदर अगर आज 10,000 कमा रहा है, उसकी इच्छा होगी, उसकी ललक होगी कि मैं महीने का 50,000 कमाऊं। अगर जब वो 50,000 कमा रहा है, उसकी ललक बढ़ेगी, वो बोलेगा लाख कमाओ। लाख कमा रहा है, उसकी इच्छा और बढ़ेगी, बोलेगा 10 लाख कमाओ। तो जिसके पास विजन होता है ना, वो रुकेगा नहीं, और जिसकी नीड पूरी हो गई है ना, वो उधर ही खत्म हो जाएगा। तो आपको ऑलवेज नीड के ऊपर फोकस ना करके आपको फोकस करना है विजन के ऊपर। क्या है आपका विजन? आपकी जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो? क्या पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या चाहते हो आपने लिखा हुआ है? नहीं लिखा है तो आज सोने से पहले लिख लेना। ऐसा नहीं कि चद्दर उड़ के सो गए और सुबह उठकर सोचा कि ड्रीम पूरा हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब आगे अपने डिस्कशन करते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा चीज होता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कामयाब इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से ग्रूम नहीं होते, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते। ग्रूमिंग के अंदर क्या आएगा? तो सबसे पहला आएगा हेयर कट। कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी खुद की दुकान बेहतर बनाते हैं? कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो क्लीन सेव अगर आपके पास है, आपका स्माइलिंग फेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फॉर्मल ड्रेस, आपका हैंडशेक, आपका बॉडी पोजीशन, ये सारी चीजों के ऊपर वो लोग फोकस करते हैं। और ज्यादातर लोग ये नहीं करते हैं, इसके कारण वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। क्योंकि उन लोगों को मिलकर ऐसा महसूस होता है ये कोई लीडर नहीं है, ये कोई मैनेजर नहीं है, ये एक आम इंसान है जो काम करने वाला है। और अपनी ही कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय, एक वर्कर वाले माइंडसेट के साथ वो काम करते हैं। और जो इंसान अपनी पर्सनालिटी बढ़िया बनाता है, अपने आप को बेहतर बनाता है, उस इंसान के और काम जो है, सक्सेस जो है, वो अट्रैक्ट करती है और वो उसको आकर्षित करती है और वो उसको उस पोजीशन पर लेकर जाती है। तो बहुत सारे लोग ग्रूमिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, लंबे लंबे बाल बना लेते हैं, चोटियां बना लेते हैं, नाखून बड़े बड़े कर लेते हैं, अपने कपड़े ऐसे पहन कर आते हैं जिसको देखकर ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि ये लीडर भी बन सकता है या ये लीडर वाला भी क्वालिटी इसके अंदर है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग कर रहे हो तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे। आपको अपने ग्रूमिंग को मेंटेन करना है, जो पोजीशन आपको कंपनी में दी गई है। थर्ड चीज यहां पर होती है, डोंट हैव प्लानिंग फॉर द डे। ये लोग सुबह उठकर कंपनी में आकर आधा एक घंटा उस चीज में निकाल देते हैं कि आज मैं पूरे दिन में करूंगा क्या। उनको जब प्लानिंग पूछा जाता है तो वो बोलते हैं मीटिंग होगा तो देख लूंगा, नहीं होगा तो पूरा दिन बिता दूंगा। और ऐसे कमेंट जब इन लोगों के आते हैं तो इनका फोकस खाली क्लियर ही होता है कि टू डू लिस्ट ना बनाकर मैं अपना दिन खत्म करूं। तो इनके पास किसी भी तरीके का टू डू लिस्ट नहीं होता है कि वो पूरे दिन में कौन से काम के ऊपर फोकस करेंगे, कौन से काम की उनकी प्रायोरिटी होगी। वो जाएंगे, जो सामने दिखेगा सब करेंगे, और सब करने के बाद शाम को उनको पता चलेगा जो मेन काम था वही छूट गया और जो मेन काम था वही रह गया। क्यों? क्योंकि मैंने सारे काम लिखे ही नहीं। और न लिखने के कारण दो दिन पहले आपने शाम को कौन सी सब्जी खाई थी, अगर ये आपको याद नहीं है आज, तो दो दिन पहले आपने क्या काम किया था आपको पता नहीं होगा। आपको अपने काम का ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आज से 2 साल पहले, आज से 5 साल पहले अगर आप कंपनी में थे और ये तारीख को आपने क्या काम किया, आप अपने टू डू लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और ये चीजों को जो बंदा फोकस नहीं करता है वो खाली दिन खत्म करता है, काम खत्म नहीं करता।